मेरे हिसाब से आप तो आपको फांसी तो क्या सजा भी होना मुश्किल। उसने उसका शारीरिक शोषण किया, उसका आर्थिक शोषण किया, तमाम तरह का शोषण किया और बाद में अंत में जब वो लड़की शादी करना चाहती थी तो उसको मार दिया। ये उल्टा भी तो हो सकता है, लड़की ने लड़के को शोषण किया, लड़का देखने में खूबसूरत, लड़की फंस गई लड़के के साथ में, जब तक तो उसकी मर्जी रही, मार खाती थी तब भी उसको पसंद था, मार नहीं खाती थी तब भी पसंद था, शुरू से रही थी, मर्जी से रह रही थी, इसका मतलब लड़की को वो सारी चीजें पसंद थी, मतलब उसको पिटाई पसंद थी। यस ऑफ कोर्स, व्हाई शी वाज लिविंग विद हिम। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब, व्हाई शी वाज लिविंग विद हिम। आपका केस लड़ना चाहते हैं? नहीं, आप तो आपका वकील बनना चाहते हैं? नहीं, मैं केस लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं नया केस ले भी नहीं रहा हूँ। लिली पुलिस सुन रही तो मैं फिर एक बात कहूंगा, इस पूरे मैटर में दो एविडेंस ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं देंगे। पूरे देश में श्रद्धा वाकर केस को लेकर गुस्सा है, हर कोई आरोपी आफताब अमीन पुणे वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहता है, लेकिन पुणे वाला इतना सातिर है कि उसने हर सबूत को नष्ट कर रखा है। सबूत के नाम पर दिल्ली पुलिस के हाथ लगभग खाली है, पुलिस जंगल जंगल खाक छान रही है लेकिन सबूतों की कड़ियां नहीं जुड़ रही है। सबूतों के आईने में आफताब के कबूलनामे के बाद कितना दम है इस केस में, इस केस का भविष्य क्या रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इसका भविष्य जानने के लिए मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML शर्मा जी, क्रिमिनल मामलों के बड़े जानकार हैं, उनसे जानेंगे कि इस केस को कैसे देखते हैं। आफताब ने जो क्राइम किया है वकील साहब, उसने पूरे देश को हिला दिया है। पहले तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं हूं कि आफताब ने जो क्राइम किया है, अभी तो ये एस्टेब्लिश होना है कि आफताब ने क्राइम किया है कि नहीं किया है। अभी किसने किया है, मतलब हमने किया है, आपने किया है? नहीं, हमें ये कह के चलना चाहिए कि जो ये जघन्य अपराध हुआ है जिसमें लड़की के 35 टुकड़े किए गए हैं और लड़की आफताब के साथ पिछले 6 महीनों से ज्यादा से साल डेढ़ साल से लिविंग रिलेशन में रह रही, 2019 से रह रही थी, ऐसी स्थिति में यह आफताब की जिम्मेदारी बनती थी कि लड़की को सुरक्षा दे, सुरक्षित रखे अपने साथ में, उसकी हर कोशिश पूरी करे, हर प्रार्थना पूरी करे। लेकिन लड़की को क्या मिला, 35 टुकड़े मौत और एक घृणा पूर्वक एक ऐसा जघन्य अपराध सामने आ रहा है जो कि अभी ये सिद्ध होना बाकी है कि आफताब ने कितना किया है या नहीं किया है। जो देखा जा रहा है उस हिसाब से पुलिस के हाथ में जो सबूत है वो काफी है, उन सबूतों के आधार पर आफताब को फांसी हो सकती है और पुलिस यही मांगेगी, और वाकई में अगर आफताब ने किया है तो उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आफताब को फांसी तो क्या सजा भी होना मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि उसको फांसी भी हो सकती है और उसको सजा भी नहीं होगी, दोनों कंट्राडिक्ट कर रही है बातें। हम कंट्राडिक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर, ट्रायल में एक वकील किस तरह से मैटर को संभालता है ये निर्भर करता है। ट्रायल में 90% वकील खड़े रहते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर डाल देते हैं कि वो प्रूव करें। जो अभी एविडेंस सामने आ रहे हैं, DNA एविडेंस, फ्रिज के एविडेंस, जंगल के एविडेंस, आफताब के एविडेंस, उसका कन्फेशन, उसके माँ बाप का कहना, बाकी सरकमस्टांसेस से एविडेंस जितने हैं, ये इतने जबरदस्त हैं कि इनको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इनको तोड़ा जा सकता है। मेरा जैसा वकील इन सबूतों को तोड़ सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए ये अलग चीज। आप आफताब का केस लड़ना चाहते हैं? नहीं, आफताब का वकील बनना चाहते हैं? नहीं, मैं केस लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं नया केस ले भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी पोजिशन बता रहा हूँ, अपना माइंड बता रहा हूँ कि जो केस है उनको तोड़ा जा सकता है और आफताब बच सकता है इस पूरे मैटर में। ये डिपेंड करता है वकील के ऊपर, मुझे लगता है कि आफताब बच सकता है इन सबूतों के आधार पे। आफताब का कबूलनामा है कि मैंने उसके टुकड़े किए, उसको मारा, 18-20 दिन तक उसके बॉडी पास डिस्पोज किए, तमाम चीजें कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। कन्फेशन इज नॉट द बेस्ट एविडेंस, आप This is a duty of the police to prove कि आफताब ने ही ये कत्ल किया है। ये भी हो सकता है लड़की हार्ट अटैक से मरी हो, ये भी हो सकता है लड़की मर गई हो, उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आफताब ने सारा चीज किया हो, उसके बॉडी को पार्ट को फेंका हो जंगलों में या कुछ भी किया हो। रीजन बहुत है, एक रीजन ही, 50 चीजें, डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ द एडवोकेट हाउ ही हैंडल दिस केस।
इस केस को हैंडल करना मेरे ख्याल से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से हैंडल किया जाए, जो पुलिस के पास एविडेंस है आज के टाइम में, जो सर्कमस्टांसेस है, कन्फेशन है, जो डीएनए है, इसके आधार पर आपको फांसी की सजा आसानी से हो सकती है। देखिए, कन्फेशन ठीक है आपकी बात, कन्फेशन कोई वैल्यू नहीं करता जब तक वो कोर्ट में ना कन्फेस करे इस बात को, पहली बात। लेकिन जो केस की बात है, केस में सबूतों की कड़ियां जुड़ना मुश्किल हो रही है। लेकिन एक बात और है, जो उनके दोस्तों के बयान हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार वो उस लड़की को टॉर्चर करता था, 2020 में भी वो लड़की एडमिट रही, सिगरेट से जलाता था, उसकी पिटाई करता था, कई बार तो उसको मारने की कोशिश की, उसके दोस्तों ने उसको आकर बचाया। ये तमाम सबूत है जो अपने आप में सफिशेंट है। ये सारे सबूत सिर्फ एक बात को कहते हैं निर्विवाद रूप से, कि लड़की जो थी वो सेक्सुअल क्रूअल माइंड की थी, उसको चोट पहुंचने पे उसको अच्छा लगता था, नहीं तो अगर लड़की को वो मारता था तो लड़की उसके साथ क्यों रहती थी? लड़की ने कोई शादी तो की नहीं थी, एक लिविंग रिलेशन थे, जब तक मर्जी आए रहो, जब ना आए छोड़ के अलग हो जाओ, लड़की उसके साथ क्यों रही? ये सारे जो सबूत है, लड़कों के जो स्टेटमेंट है दोस्तों के, ये सारे किस तरह से लिए जाए, इट्स समथिंग डिफरेंट। दिस एविडेंस इज नॉट एनफ टू प्रूव हिम गिल्टी। एविडेंस क्या प्रूव होंगे, क्या गिल्टी प्रूव होंगे, कन्फेशन के अलावा पुलिस जिन एविडेंसों को रखेगी उसको किस तरह से ट्रायल में लिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये आप अजीब सी बात कर रहे थे कि लड़की मतलब क्यों रहती थी, उसको जब उसको टॉर्चर किया जा रहा था, उसकी पिटाई हो रही थी, वो फिर हॉस्पिटल लाई रही, उसको छोड़ना भी चाहती थी, लेकिन फिर से उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा था। किसने किया? आफ्ताब ने। आफ्ताब ने किसी भी तरह लड़की ऐसे लड़के के साथ क्यों रह रही थी जो उसको रोज मारता था? एक शादीशुदा परिवार, लड़का लड़की के साथ भी अगर ये घटना होती तो लड़की कोर्ट पहुंच जाती डाइवोर्स के लिए, डाइवोर्स के लिए, शादी तोड़ने के लिए। यहाँ तो शादी ही नहीं थी, यहाँ तो मर्जी से रह रही थी, मर्जी से रह रही थी, इसका मतलब लड़की को वो सारी चीजें पसंद थी, मतलब उसको पिटाई पसंद थी। यस ऑफ कोर्स, व्हाई शी वाज लिविंग विद हिम? कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब, व्हाई शी वाज लिविंग विद हिम? ये पहला जबरदस्ती थी, उसको इमोशनल, उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा। आप कह रहे हैं ना, जब वो लड़का कहता है मैं सुसाइड कर लूंगा तो वो मारता क्यों था? फिर वो क्यों मारता था, जवाब दीजिए। नहीं, मारता था और उसके बाद मरने की धमकी देता था। अब एक लड़की जो अपना परिवार उसके भरोसे छोड़कर आई थी, उसके साथ रह रही थी, लड़की क्यों छोड़ के आई थी परिवार? क्या लड़की ने शादी कर ली थी? नहीं, प्यार करती थी ना उससे, प्यार करती थी, में रहती थी। प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन लड़का ने मारना चालू कर दिया लड़की को, और लड़के ने लड़की को मारना चालू किया और प्यार खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब लड़की मार खाना पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ रह रही थी। लड़की की ऐसी क्या मजबूरी अभी तक सामने आई है? जो वो मजबूरी तो ढूंढनी है, तो ऐसा कौन आदमी होगा जो मार खाना पसंद करेगा? वकील साहब आप समझिए बात को, ऐसा कौन आदमी होगा जो मार खाने के बावजूद भी उस लड़के के साथ रहेगा, ये बताइए आप। मार खाना पसंद करेगा नहीं, इतना मार खाने के बावजूद भी ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रहना चाहती, वो लिविंग रिलेशन में क्यों रहेगी? नहीं, वो छोड़ना चाहती थी, कई बार ब्रेकअप की बात छोड़ना चाहती, उसके दोस्त कह रहे हैं, उसके दोस्त तो कुछ भी कहेंगे आज के टाइम में, उसके दोस्त तो कुछ भी कहेंगे, डिपेंड इन द ट्रायल में जब क्लास एग्जाम। फोटो है उसके, चोट लगी है फेस पर, चोट लगना, फोटो होना, चोट दिखाई देना, ये इस बात को प्रूव नहीं करते कि लड़की जबरदस्ती रह रही थी, लड़की अपनी पसंद से रह रही थी। देखिए इसमें एक यही महत्वपूर्ण चीज, व्हाट्सएप चैट है उसकी, उसने पीटा मुझे, आज मेरे मुंह से उठा नहीं जा रहा, मेरा बीपी डाउन है, मैं काम पर नहीं आ सकती। एक बात का जवाब दो, फिर वो क्यों रह रही थी उस लड़के के साथ जो उसको इस बुरी तरह से मार रहा था? इस बात का जवाब दो, क्यों रह रही थी, क्या कारण था? एक भी कारण बताइए। लिविंग रिलेशन में इसीलिए होता है कि जब तक पसंद आए तब तक रहो, जिस दिन आपस में तनातनी हो छोड़ के अलग हो जाए। दिस इज यूरोपियन संस्कृति, हिंदी संस्कृति नहीं है, और हिंदुस्तानी संस्कृति है। शादी होने के बावजूद भी अगर इस तरह क्रूरता होती तो तुरंत वो FIR करती है लड़की। कोई ऐसा लड़की नहीं होगी जो FIR नहीं करे, कोई फैमिली कोर्ट में नहीं जाए, डाइवोर्स नहीं ले। 2019 से यार, कमाल की बात है, 3 साल से वो मार खा रही और रह रही है, आखिर क्यों? जबकि शादी नहीं हुई, हेटी स्टेबलाइज की, उन्होंने शादी नहीं की, माँ बाप ने कहा शादी नहीं की, लड़के लड़की कहते हैं, दोस्त सब कहते हैं शादी नहीं की, लेकिन रह रही है, रोज मार खा रही, सिगरेटों से जल रही है, चोट लग रही है, सब कुछ हो रहा है, आखिर क्यों? ये उसकी लड़की की पसंद थी कि नापसंद थी, क्यों? कोई तो वजह होगी। वो वजह क्या थी ना हम जानते ना आप जानते, लेकिन वो वजह तो मैं 2 मिनट में ट्रायल में निकलवा लूंगा, मुख से इनके दोस्तों से ही निकलवा लूंगा।
नहीं, उनके दोस्तों को क्या पता, वही दोस्त तो वही जानते हैं ना जो उस लड़की ने बताया। लड़की की जो चैट है, जो एविडेंस आप बता रहे हैं वही एविडेंस चीख चीख के बताएंगे, लेकिन वो स्किल में क्यों बताऊं, कैसे बताएंगे वो? आपका जो तर्क है, आपका तर्क ये है कि वो लड़की अपनी मर्जी से चोट खाती थी, अपनी मर्जी से पीटती थी। मेरा ये तर्क नहीं है, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, अगर लड़की को वो लड़का रोज मारता था तो लड़की उसकी कोई पत्नी नहीं थी जो जबरदस्ती मजबूरन उस लड़के के साथ रहे। हो सकता है उसको ब्लैकमेल किया गया हो, उसके कुछ वीडियो हो, उसके कुछ फोटो हो, उसके बावजूद भी लड़की नहीं रहेगी। उसके बाद उसको मौत मारने की और धमकी दे रखी होगी कि तुम गई, उसके बावजूद भी नहीं रहेगी मारने की धमकी, तो लड़की क्यों रहेगी उसके पास में? क्यों, उसकी पत्नी थोड़ी थी वो, दो मिनट में आपके अलग रहेगी, नहीं रहेगी, पुलिस का प्रोटेक्शन मांगेगी, ब्लैकमेल में भी पुलिस का प्रोटेक्शन। पढ़ी लिखी लड़की थी, कोई गांव की गवार लड़की तो नहीं थी ना, पढ़ी लिखी लड़की थी, काम करती थी साथ में, लड़का मुसलमान था, लड़की हिंदू थी, लड़के को मौका लगा कि इस लड़की को फंसाया जा सकता है, उसने फंसाया, उसका पैसा लिया, सब कुछ लिया। ये इस बात का प्रूफ है कि मरने के बावजूद भी उसने लड़के ने लड़की के 54,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। लड़की के गहने कहाँ है? एक भी गहने सामने नहीं है, इसका मतलब लड़का ऑलरेडी सारे गहने गायब कर चुका था। ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि उसने उसका शारीरिक शोषण किया, उसका आर्थिक शोषण किया, तमाम तरह का शोषण किया, और बाद में अंत में जब वो लड़की शादी करना चाहती थी तो उसको मार दिया। ये उल्टा भी तो हो सकता है, लड़की ने लड़के को शोषण किया, लड़का देखने में खूबसूरत, लड़की फंस गई लड़के के साथ में, जब तक उसकी मर्जी रही, मार खाती थी तब भी उसको पसंद था, मार नहीं खाती थी तब भी पसंद था शुरू से। आखिर ये चीज का तोड़ कहाँ है? ये तोड़ तो ट्रायल में निकलेगा ना, आज आप नहीं बोल सकते। इस तोड़ को कैसे घुमाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, इट्स ए स्किल ऑफ द ट्रायल। और आज जो सबूत हैं पुलिस क्लेम कर सकती है फांसी के लिए, जितने लोग हैं वो सब चाहते हैं ये घिनौना कृत्य जो है, ऐसे कृत्य करने वाले लड़के को फांसी की सजा हो। लेकिन आप मुझसे लीगली पूछें तो लीगली मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से इस लड़के को आप सजा नहीं कर दे सकते लीगली, कोई ऐसे ठोस एविडेंस नहीं है। एविडेंस है, फिर मैं इस बात को कहूंगा, इसमें एक ऐसा एविडेंस स्ट्रॉन्ग जिसके बेस पे इसको फांसी की सजा हो सकती है, 100% हो सकती है, लेकिन वो एविडेंस मैं इसलिए नहीं बोलूंगा। व्हाई शुड आई स्पीक? नहीं नहीं तो बताइए ना फिर, यही तो जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है, ये पुलिस का काम है उस एविडेंस को सामने लाना, ये प्रोसिक्यूटर का काम है उस एविडेंस को सामने लाना। ये मेरा पुलिस एक सक्षम ताकत है, वो काम कोशिश ताकत है। दिल्ली पुलिस ने निर्भया गैंग में भी बहुत से एविडेंस सामने बना के रखे थे जिससे सजा हो गई फांसी की, उसकी कन्फेशन था उसमें भी सजा। आप तो लॉयर रहे हैं ना, आरोपियों के लॉयर हैं। एफिडेविट फाइल किया गया था और कि हमने, हाँ हम गंदे इलाकों में रहते थे इसलिए हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, तो इसके बेस से सजा हुई, वहाँ कन्फेशन था। यहाँ भी अभी कन्फेशन है आधा, अभी आधा कन्फेशन है। इस कन्फेशन को कोर्ट में किस तरह से लिया जाएगा डिपेंड करता है स्किल ऑफ द एडवोकेट हु विल डू द ट्रायल फॉर द बॉय। इसका नार्को टेस्ट हो रहा है, अब नार्को टेस्ट में जो तमाम चीजें हैं वो निकल कर सामने आएगी, और भी जो तथ्य छुपा रहा है वो सारी चीजें निकल कर आनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ रियली आनी चाहिए। कोर्ट में क्या प्रूफ किया जाता है? कोर्ट में ये नहीं, कोर्ट सजा देने के लिए नहीं बैठती है, कोर्ट ये सिद्ध करने के लिए बैठती है क्या ये क्राइम इसी व्यक्ति ने किया है जिसको कोर्ट के सामने प्रूफ किया गया है। अब अगर लड़के का, अभियुक्त का वकील कोर्ट में एफिडेविट दे दे, उसको स्टेटमेंट करा दे कि हाँ साहब मैंने क्राइम किया है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में भी अगर इसका जो भी एडवोकेट होगा वो इसको कन्फेशन को प्रूव करा देगा, किसी भी तरह से घुमा फिरा करके एफिडेविट दे देगा, माफीनामा लगवा देगा, कुछ भी कर देगा, तो इसको सजा हो जाएगी। लेकिन कि इसको ये कोर्ट को ये प्रूव करना होगा, पुलिस को ये प्रूव करना होगा कि इसने ये कर्म किया है। अभी तक पुलिस के पास में, पुलिस ने ये क्लेम नहीं किया कि इसी ने किया है, पुलिस एविडेंस ढूंढ रही है। प्राइम ऑफ फेस ही बिल्कुल साफ लगता है कि लास्ट सीन पर्सन यही है और इसी की जिम्मेदारी है, इसी ने मर्डर किया है, इसी ने छुपाया है, इसी ने उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर इसने किए हैं ये सब तो इसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये, अगर किसी भी क्रिमिनल केस में इफ, अगर ये दो शब्द एक ऐसे हैं, ये शब्द ऐसे हैं जो कि पूरे ट्रायल को या तो पलट देते हैं या पूरे ट्रायल को सजा दिला देते हैं, तो अब इस लड़के के ऊपर है और इसके वकील के ऊपर है कि किस तरह से अपने ट्रायल में इसको अपराधी सिद्ध होने दे या न होने दे। ये पुलिस के ऊपर है जो ये सिद्ध करे कि यही व्यक्ति अपराधी है, सजा जो हो वो अलग की चीज है, लेकिन ये सिद्ध होना कि यही अपराधी है, पुलिस के ऊपर। तो दिल्ली पुलिस अगर सुन रही है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती उसके सामने है,
कि उसको ये सिद्ध करना, उन कड़ियों को जोड़ना जिसको लेकर आफ्ताब को उसके कर्मों की सजा दिलाई जाए, वरना ये केस घूम सकता है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी अब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली पुलिस सुन रही तो मैं फिर एक बात कहूंगा, इस पूरे मैटर में दो इविडेंस ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं देंगे वो, और उन्हीं दो इविडेंस के बेस पे इसको फांसी की सजा हो सकती है। मुझे पता है, मैं जानता हूं, देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं बोलूंगा कि आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूं जिस लड़के के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं, और ना मैं कोई आपका इसका क्लाइंट हूं जो इसके फेवर में खड़ा हो। मैंने एक क्रिमिनल थ्योरी आपको बताई, एक क्रिमिनल पोजीशन बताई है कि इस लड़के को कोर्ट में पुलिस को प्रूव करना होगा कि ये हत्या इसने की है। पुलिस को ये प्रूव नहीं करना होगा कि इसने टुकड़े टुकड़े करके फेंके, ना 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 ना, पुलिस को ये प्रूव करना होगा कि इसी ने इस लड़की की हत्या की है। जब तक पुलिस ये प्रूव नहीं करेगी, इसको कोई सजा नहीं हो सकती। तो ये जो मामला पेचीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये पेचीदा मामला दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, कड़ियों को जोड़ना और ये प्रूव करना कि हाँ यही वो लड़का था जिसने कत्ल किया, लाश को ठिकाने लगाया और क्रूरेल्टी की। वो तमाम चीज़ें जब प्रूव हो जाएगी तभी इसको सजा मिलेगी, और ये एक बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने है। हालांकि हमें विश्वास है कि दिल्ली पुलिस एक पेशावराना पुलिस है, उसके पास एक्सपर्ट्स लोग हैं, कानून को समझने वाले लोग हैं, वो इस पूरे मामले पर बेहतर तरीके से काम करेगी, जैसा लग रहा है कर भी रही है। तमाम एविडेंस खोजे जा रहे हैं, कई राज्यों में जाया जा रहा है, और अब नार्को टेस्ट भी किया जा रहा है। तो ये कड़िया जुड़ेगी, और आप लोग निश्चिंत रहिए, हर व्यक्ति को उसके करे की सजा जरूर मिलती है। और आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।